स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मैंगटेक पर मैं अतुल चौधरी आ गया हूं एक नया वीडियो लेके जो कि हमारी एक्सल ट्रेनिंग का जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं लेफ्ट राइट और मिड के फॉर्मूले क्योंकि पिछला वीडियो था हमारा थ्री और नेक्स्ट वीडियो है हमारा फोर लेकिन इसके बीच में मैं आपको लेफ्ट राइट और मिड के फॉर्मूले की प्रॉपर एक्सप्लेसन दूंगा तो इसलिए इस वीडियो का नाम मैंने रखा है थ्री पॉइंट फाइव ये थ्री पॉइंट फाइव वीडियो में आपको लेफ्ट राइट और मिड के फॉर्मूले सिखाऊंगा प्रॉपर एक्सप्लेन के साथ कि कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे इनको कंबाइन करके आप नेम वगैरह स्प्लिट कर सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा छोटी सी गुजारिश आप लोगों से रहेगी कि अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये जो ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं एक्सेल की ट्रेनिंग का इसको इसका फायदा और लोग भी ले पाए तो आप चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शुरू करते हैं वीडियो चलिए तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो लेफ्ट राइट right और मिड ये जो फार्मूलेज हैं इनको सिखाने से पहले या इनके कंबाइंड यूज़ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर दो फार्मूले और यूज़ होंगे जब हम इनको कंबाइंड करके यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें दो फार्मूले और यूज़ करने होंगे एक है फाइंड और दूसरा है लेन तो ये फार्मूले भी मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप ये फार्मूले सीख पाओ और फिर आप इसके साथ मिड राइट right और लेफ्ट के फार्मूले में इसको कंबाइन करके यूज़ कर पाओ तो सबसे पहला फार्मूला जो आपको दिख रहा है ये फाइंड फाइंड यानी कुछ सर्च करना सर्च भी एक फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर और फाइंड भी एक फार्मूला होता है तो फाइंड आपको कुछ भी करना है मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो नाम लिखा है ठीक है अब मुझे इसके अंदर जो एम वर्ड है वो सर्च करना है यहाँ पर तो अब मुझे करना क्या होगा सबसे पहले मैंने इक्वल प्रेस किया और फाइंड का फॉर्मूला लगाया उसके बाद फाइन टैक्स अभी मेरे से कह रहा है कौन सा टैक्स फाइन करना है आपको तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे को ना एम फाइंड करके दे दो ठीक है इसने कहा कहाँ से करूँ मैंने ये जो सेल के अंदर लिखा है इसके अंदर से दे दो और मैंने एंटर कर दिया तो इसने मुझे बता दिया कि जी एम आपका जो है सिक्स नंबर पर आता है अगर हम काउंट करें तो जे ओ एच एन चार वर्ड ये हो गए और एक स्पेस को ये काउंट करेगा और उसके बाद एम एम छठे नंबर पर आ गया

कि ये जो करेक्टर आप सर्च कर रहे हो या जो भी वर्ड आप सर्च कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा मैं यहाँ पे स्पेस भी कर देता हूँ अगर मान लीजिए मैंने डी हटा दिया और स्पेस से फहर रखा तो इसने स्पेस भी बता दिया और इसमें क्या चीज़ और होती है आगे एक आप लगाओगे तो स्टार्ट नंबर और होता है कि आप कहाँ से सर्च करना चाहते हो तो मेरे को पता है कि भाई जॉन जो है वो चौथे नंबर पर आता है और एक स्पेस पाँच हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि छठे नंबर से सर्च करना शुरू करो स्पेस तो अभी मुझे बताएगा कि आपका स्पेस तेरहवें नंबर पे आता है क्योंकि उसने छठे नंबर से सुरच सुनना शुरू किया और तेरहवें नंबर पे उसको स्पेस मिल गया अगर मैं उसको कहता कि पहले नंबर से आप करना शुरू कर दो स्पेस तो ये मेरे को फिफ्थ नंबर पे सेस दे देगा चार ये और एस तो इस तरह से फाइंड का फार्मूला काम करता है अब इस फाइंड के फॉर्मूले को हम लेफ्ट राइट मिड के अंदर यूज़ करेंगे आगे और देखेंगे कि कैसे हमें आउटपुट देता है अब अगला फार्मूला जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे होता है लैंड लैंड मैंने आपको पहले भी बताया है लैन क्या होता है आपके कैरेक्टर की, की लेंथ बता देता है बस मैंने यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करके एल ई एन लैन लिखा और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया तो अब ये मुझे बता देगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काउंट कर लेते हैं एक दो तीन उसके बाद चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो पूरे सोलह कैरेक्टर हैं जिसके अंदर कैरेक्टर जो है दो स्पेस भी काउंट कर रहा है आप अगर इसमें स्पेस हटा दोगे तो आपका कैरेक्टर जो काउंट है वो कम हो जाएगा तो ये स्पेस को भी काउंट करता है तो इसलिए जब हम फॉर्मूले लगाएंगे तो वहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा स्पेस को हटाने के लिए तो ये देखिए इस तरह से आपका लेंथ वर्क करता है तो आपके कैरेक्टर्स जो भी होते हैं उनकी आपको लेंथ बता देगा कि ये इसकी लेंथ है तो आपको लेंथ और फाइंड के दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे जब आप फाइंड लेफ्ट आप जब लेफ्ट मिड और राइट का फार्मूला यूज करेंगे तो अब हम आते हैं अपने मेन फार्मूले पे तो लेफ्ट का फॉर्मूले शुरू करते हैं सबसे पहले लेफ्ट तो लेफ्ट यानी कि हमार को जो सबसे पहला कैरेक्टर लेफ्ट साइड में जो जॉन लिखा है वो हमें चाहिए जे ओ एच एन जॉन लिखा है वो हमें चाहिए तो अब इसके लिए हमें इक्वल टू प्रेस किया और एल ई -e जैसे ही हम लिखेंगे लेफ्ट का फार्मूला आ गया हम टैप प्रेस कर देंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट का फार्मूला काम कैसे करता है कि बस अपने यहाँ पे कैरेक्टर सेलेक्ट किया और स्टार्ट नंबर बता दिया कि जी पहले करेक्टर के एक कैरेक्टर उठा दो या दो कैरेक्टर उठा दो उसने क्लिक किया एक कैरेक्टर उठा दिया मैं कहूँगा दस कैरेक्टर उठा दो तो मुझे दस कैरेक्टर ला के दे देगा लेकिन अब मुझे चाहिए कि लेफ्ट में जो नाम लिखा है वो ला के दो भाई मुझे तो मैं लेफ्ट का फार्मूला लगाऊंगा टैक्स पे जाके क्लिक करूंगा जा ये जो टैक्स मैंने सेलेक्ट कर दिया अब मुझे करना क्या है कि अब मैंने ये सेलेक्ट कर दिया अब मैं कॉमा प्रेस करूंगा अब मैं इसके साथ वो फाइंड का फार्मूला लगाऊंगा जो मैंने फाइंड वहां पे सीखा मैंने फाइंड को प्रेस किया अब ये फाइंड मेरे रहा है, कि भाई क्या सर्च करना है मैंने कहा स्पेस मतलब तो तक पहुंचना है तो मैंने इसलिए यहाँ पर स्पेस सर्च करने की बात कर दी स्पेस सर्च किया और कहा से करना है मैंने भाई इसी वाले टेक्स्ट के अंदर से कर दे जो ए के अंदर है और उसके बाद इसने को मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और उसके बाद मैंने इसे कहा कि एक माइनस वन कर दे जो स्पेस है उसको हटा दियो कैरेक्टर तो सारे उठा ले जो एक माइनस वन इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस नहीं चाहिए मेरे को स्पेस भी काउंट करता है आपको पता है फाउंड फाइंड है जो आपको स्पेस भी काउंट कर रहा है पीछे आपने देखा है तो इसलिए मेरे को वो एक माइनस कर दिया मैंने और यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज और एंटर ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे वो कैरेक्टर उठा के दे दिया जॉन यहाँ पे ला के दे दिया अब मैं बस मुझे यहाँ पर नीचे इस पूरे फॉर्मूले को कंट्रोल डी करना है तो आप देखिए उसने नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ला के दे दिया अब मैं चाहे इनके नेम को यहाँ पर चेंज कर दू मैं यहाँ पर सैम लिख देता हूँ तीन कैरेक्टर का नेम है ये सैम लेकिन उसने मुझे सैम ही ला के दिया यहाँ पर तो इस तरह से ये काम करता है आप देखिए आप यहाँ पर कोई भी पहला वर्ड कैप लिख दीजिए फर्स्ट नेम वो फर्स्ट नेम को आपको उठा के ला के दे देगा अब हम आते हैं अपना सेकंड जो है मिड का फार्मूला तो मिड के फार्मूले में कैसे काम करता है कि अब आपको यहाँ पर जो चाहिए बीच का वर्ड चाहिए जो माइकल लिखा है एन लिखा है वो चाहिए रॉस लिखा है ठीक है ये सारे वर्ड चाहिए बीच वाले तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मिड का फार्मूला लगाना पड़ेगा तो मिड का फॉर्मूला हम लगाने के लिए वही एम आई डी लिखेंगे मिड आ गया टैप प्रेस कर देंगे अब मुझे टैक्स सबसे पहले मैं इसको टैक्स बताऊंगा तो मैंने इसको टैक्स बता दिया भाई इसी टैक्स में से मुझे लाके दे दे मैंने कॉमा प्रेस किया अब मुझे फाइंड करना है क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है सबसे पहले भाई मुझे वो कैरेक्टर तक पहुंचना पड़ेगा ना जो मेरे को सर्च करना है तो मैंने उसके लिए फाइंड का फॉर्मूला लगा दिया अब फाइंड का फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा ब्रैकेट ओपन अब मुझे स्पेस ही चाहिए सबसे पहले तो मुझे स्पेस ही चाहिए मैं स्पेस तक पहुँचूंगा तभी तो मैं सेकेंड कैरेक्टर पहुँचूंगा तो मैंने पहले स्पेस ढूंढने के लिए क्या अब मैंने कॉमा प्रेस किया ये मेरे से कह रहा है कहाँ से लो भाई इसी के अंदर से लेना है आपको जो मेरा नाम है इसके अंदर से मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज और प्लस इसके अंदर अब मैं करूँगा प्लस वन वहाँ पर माइनस वन क्यों किया था और यहाँ पर प्लस वन किया क्यों माइनस वन में मुझे वहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर उठाना था आगे के वर्ड उठाना था लेफ्ट का लेकिन यहाँ मुझे मिड का उठाना है तो मिड का उठाने के लिए मैं इसमें प्लस वन करूँगा तो अभी मैंने इसमें प्लस और वन कर दिया अब यहाँ पर ये काम खत्म नहीं होता है अब हम इसमें फिर से फाइंड लगाएंगे अब मुझे करना क्या होगा मैंने कॉमा दिया यहाँ पर और उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइंड का फार्मूला फिर से लगा दिया अब मुझे फाइंड का फॉर्मूला फिर से लगा के सेम चीज़ एक बार रिपीट करनी है अब मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि भाई मुझे फिर से स्पेस दे दो आप ठीक है और मैंने वही कैरेक्टर दोबारा सेलेक्ट कर दिया और कॉमा प्रेस कर दिया उसके बाद मैंने फिर से फाइंड लगाया पर मैं अभी यहाँ पर प्लस वन नहीं कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर फाइंड लगा रहा हूँ दोबारा से मैंने फिर से फाइंड लगाया और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा ब्रैकेट ओपन करा और फिर से स्पेस फाइंड करा स्पेस फाइंड के कॉमा और फिर से अपना कैरेक्टर को सेलेक्ट कर दिया और इस बार मैंने ब्रैकेट क्लोज करके प्लस वन कर दिया अब ये कहाँ पहुंच चुका है ये पहुँच चुका है आपके सेकेंड स्पेस पे अभी तक हम थे पहले स्पेस पे जब हम प्लस वन करके पहुंचे अब हम आ चुके हैं सेकेंड स्पेस पे तो अब मुझे करना क्या है अब मैं सेकंड स्पेस पे आ गया अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और माइनस कर देता हूँ इसमें से पहला वाला करेक्टर जो पहला करेक्टर जो मेरे को है यानी जो मैंने फाइंड वन के लिए उठाया था जब मैंने लेफ्ट का फॉर्मला लगाया था वो लेफ्ट का फॉर्म के जो मैंने दिया था फाइंड का यूज वो फाइंड का यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो मैंने इस बार क्या किया माइनस किया और फाइंड लगा दिया कि जो भाई ये जो मैं फाइंड माइनस करा दे मेरे कैरेक्टर में से यहाँ पर मैंने स्पेस दिया कॉमा ये ही मेरा करेक्टर है इसको माइनस कहाँ करा दे कहाँ से करा दे ठीक है और ब्रैकेट क्लोज माइनस वन अब मैं बस एंटर प्रेस करूंगा जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसने माइकल मुझे सेकंड कैरेक्टर ला के दे दिया तो देखिए इसने सारे के मुझे सेकंड नेम ला के दे दिए अगर सेकंड नेम चाहे दस वर्ड का हो चाहे बीस वर्ड का हो उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखिए चाहे कितने भी वर्ड का हो बस स्पेस होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में तो उसको वो सेकंड कैरेक्टर मानेगा और ऑटोमेटिकली उसको ला के आंसर आपको दे देगा तो ये देखिए ये यूज करता है आपका मिड का फॉर्मूला हुआ क्या एक बार मैं फिर से आपको चीजें थोड़ी सी समझा देता हूं कि पहले क्या किया इसने पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर इसने आपको मिड का फॉर्मूला लगाने के बाद आपने फाइंड किया स्पेस और यहाँ पर इसी कैरेक्टर में से प्लस वन करके आप पहले स्पेस पे आ गए अब आपने पहला स्पेस तो फाइंड कर लिया ले, लेकिन अब आपको जाना है दूसरे स्पेस पे तो इसीलिए आपने फिर से फाइंड लगाया सेम चीज़ करी लेकिन प्लस वन नहीं किया क्योंकि अगर दूसरे स्पेस पे जाना है तो आपने फिर से उसके अंदर फाइंड लगा दिया और अब प्लस वन किया अब ये पहुंच गया दूसरे वाले स्पेस पे तो अब उसके लिए मुझे करना क्या होगा कर, मैं दूसरे स्पेस पे आ चुका हूँ मुझे करना क्या है अब मैंने जो यहाँ पर लेफ्ट के अंदर जो लेफ्ट के अंदर फार्मूला लगाया था यही फार्मूला था सेम वहां पर ये वाला कि भाई मेरे को इसके अंदर से यहाँ पर स्पेस फाइंड कर दे और स्पेस के बाद उसमें से माइनस वन कर दे वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी तो ये थर्ड ऑप्शन पे जो कि है राइट का फॉर्मूला अब राइट का फॉर्मूला जो ऑब्वियसली मुझको राइट से करेक्टर उठा के देगा नहीं थर्ड नेम उठा के देगा मैंने इक्वल टू प्रेस किया और आर आई जी ऐसे ही लिखूंगा मैं आ गया राइट का फॉर्मूला मैंने टैप प्रेस किया

तो उसके लिए हमने लैन का जो फॉर्मूला सीखा है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैंने लैन पे प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ए टू वाले कैरेक्टर के लेंथ काउंट कर ली अब मैंने इसकी लेंथ काउंट कर ली कि मुझे पता चल गया कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर इसने मुझे बता दिया अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर से फाइंड का फार्मूला माइनस कराऊंगा माइनस लगाया फाइंड का फार्मूला लगाया और अब इससे वही कहा कि भाई पहले मुझे एक स्पेस ला के दे दे इसने मुझे स्पेस ला के दिया और उसी कैटेगरी में से स्पेस लाया और फिर से मैंने वही माइंड यहाँ पर कॉमा दे के फाइंड लगा दिया और अब मैंने फिर से वही चीज करी जो एज इट इज मैंने लेफ्ट के फॉर्मूले में करी थी तो मैं वही करता हूँ फिर से देखेंगे यहाँ पर अब लेफ्ट के फॉर्मूले में स्पेस मेरे को चाहिए उसके बाद मेरा कैरेक्टर मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके अब मैं प्लस वन करूंगा मैंने प्लस वन किया यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज कर दिए बोथ ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे यहाँ पर क्योंकि फाइंड का मैंने दो वर्क ओपन करे पे और एंटर कर दिया तो इसने मुझे लास्ट नेम भी ला के दे दिया तो देखिए यहाँ इसने मुझे थर्ड नेम भी ला के दे दिया इसने करा क्या यहाँ पर इसने करा ये कि सबसे पहले यहाँ पर इसने कैरेक्टर पूछा राइट right में कि इस कैरेक्टर में से ला उसकी लेंथ को काउंट कर लिया उसके बाद इसने फाइंड में से माइनस कराया स्पेस जो पहला स्पेस हमने ढूंढा था पहला स्पेस और फिर हम गए दूसरे स्पेस पे और वो पहला और दूसरे स्पेस दोनों लाके उसने माइनस करा दिए अपने राइट right से जाके जो लेंथ के अंदर से माइनस करा दिया यानी इसने पूरी लेंथ को काउंट कर लिया इसकी और यहाँ से ये, ये दोनों इसने करा दी, ये दोनों। तो ऑटोमेटिक काउंट कर तो तो करता है आपका राइट right का फॉर्मूला अब देखिए आपने हमने लास्ट वीडियो में जो लेफ्ट मिड और राइट right सीखे थे वो सिर्फ हमें नंबर देने पे काम कर रहे थे लेकिन यहां हमें इसको मल्टीपल फॉर्मूल के साथ यूज किया आपने यहाँ पर इसको ठीक है अब यहां पर हमने इसके साथ और फॉर्मूले लगाए और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमने अब यहां पर हमने इसके साथ और फॉर्मूले लगाए और उनको लगाने के बाद हमने यहां पर अपना आउटपुट इस तरह से पाया कि अब मेरा कोई भी थर्ड नेम हो मेरा यहाँ पर कितने भी कैरेक्टर का थर्ड नेम हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा थर्ड नेम मेरा आंसर आएगा ही आएगा थर्ड नेम थर्ड रहेगा सेकंड सेकंड और फर्स्ट फर्स्ट हाँ ये इस तरह से काम करेगा लेकिन अगर यहां पर मैं कोई फोर्थ नेम लिख दू मैंने फोर्थ नेम लिख दिया तो वो भी थर्ड में काउंट कर लेगा वो क्यों क्योंकि उसके लिए फोर्थ नेम का मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है तो इसको करने का भी तरीका है इसके भी हम एक जब अपने एक्सेल के फॉर्मूले इसके पूरी ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लेंगे तो इसको भी मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगा जिसमें आपके चाहे एक नाम हो दो नाम हो दस नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस एक फॉर्मूले को लगाइए और आपके नाम कॉलम वाइज ऑटोमेटिकली स्पिट हो जाएंगे चाहे किसी में एक कैरेक्टर का नाम हो चाहे किसी में दस कैरेक्टर का नाम हो फ़र्क नहीं पड़ता तो वो फॉर्मूला हम जब अपने सारे फार्मूलेस को एक बार सीख लेंगे तब करेंगे तो ये था हमारा आज का लेफ्ट मिड और राइट के फॉर्मूलेस की एक्सप्लेशन तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा तब तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो है हमारा राउंड फोर एक्सेल ट्यूटोरियल का जहाँ पर हम अपने आगे रिमेनिंग फॉर्मूलेस करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय सी यू